मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने किया पैदल गश्त। गश्त के दौरान लखनऊ कमिश्नर डी के ठाकुर के साथ डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी पश्चिम समस्त क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी व थानों के इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी, बीट इंचार्ज के साथ थानों की फोर्स रही मौजूद। थाना बाजार खाला से पाटा नाला पुलिस चौकी तक किया पैदल गश्त। देखिए वकार हुसैन की खास रिपोर्ट। मार्च किया गया क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में जहाँ पे बोला गया था हर पुलिस वाले के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाएगी, उसी के तहत यहाँ पे हर दिन लोकल सीओ एसीपी जो भी है वो फुट पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन आज पश्चिमी जोन में सीपी महोदय द्वारा क्राइम का मॉनिटरिंग और उसके साथ फुट पेट्रोलिंग किया गया, जिसमें दोनों सर्कल के सारा ऑफिसर्स सम्मिलित थे, एडिशनल डीसीपी और मैं भी था इस टीम के साथ। तो सर के नेतृत्व में एक फुट पेट्रोल की गई है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों के साथ संवाद, उनका अंडरस्टैंडिंग और एक जो सेंस ऑफ जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ सेफ्टी है लोगों में, वो देने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस हमेशा उनके लिए मौजूद है, खड़ी है और जो है गवर्नमेंट की जो मंशा है, गवर्नमेंट की सरकार की इच्छा, उसको पूरी तरीके से मेंटेन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक किया गया? जैसे मतलब ये पश्चिम जोन का एरिया है, मोस्टली जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा जन बहुल एरिया होता है, उन एरिया में है मोस्टली नखास, पाटन नाला, विक्टोरिया रोड, चौक चौराहा, वजीरगंज, बाजार खाला, उस वाला एरिया हमने देखे कवर किए यहाँ। सर जाम की स्थिति काफ़ी कुछ बढ़ती चली आ रही है, पुल के नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप अगर देखेंगे जाम की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है। इसमें जैसे आप खुद ही अभी देख सकते हैं, अगर आपके कैमरा दिख रहा होगा, क्योंकि यहीं पे किसी समय में आज से करीब 15-20 दिन पहले भी मैं आया हुआ था, आप लोग भी आए हुए होंगे, अगर आप यहाँ के रेगुलर रहने वाले हैं, 100-150-250 तमाम ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा बेतरतीब से खड़े रहते थे, एकदम ज़बरदस्त जाम की अवस्था रहती थी। कंटिन्यूसली लोकल पुलिस और पर्टिकुलर डीसीपी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक को नियमित करते हैं, उनकी लगन है प्रयास से, नगर निगम के प्रयास से और बाकी संस्थाओं के प्रयास से जाम अभी करीबो करीब बहुत सीमित हो गई है। हाँ, लोड की एक बियरिंग कैपेसिटी है, तो जो हाई टाइम ऑफ रश होता है उसमें थोड़ी बहुत आपको लग सकता है कि ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है, लेकिन जहाँ तक जाम की अवस्था है, मुझे लगता है हम इससे काफ़ी हद तक छुटकारा पा चुके हैं। धन्यवाद।